तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। तो बात करते हैं कि आज जो हम परेशान होते हैं स्किन की एलर्जी से, स्किन इस एलर्जी से, मैंने कहने का मतलब ये है कि आप दवा खा खा के परेशान हो रहे हैं, आपके बीच जांघों के बीच में जो खुजली हो जा रही है, खुजलाते खुजलाते वहाँ पानी आ जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट और आसान तरीका मैं बता दूंगा जो आप अपने घर पे ही कर लेंगे तो आप तुरंत एनी हाउ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप दवा कर कर के बिल्कुल परेशान हो गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दवा कर रहे हैं लाखों महंगी महंगी दवाई कर रहे हैं फिर भी ठीक हो जा रहा है, कुछ दिन के बाद फिर वो हो जा रहा है और खुजलाते खुजलाते ऐसा हो गया कि वहाँ कालापन आ गया है, दाग आ गया है, तो आज हम बिल्कुल ऐसे तरीके बता देंगे जो आप अपने घर पे कर लेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं पूरी बात बता दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ आपका स्किन है, जहाँ पे कालापन हो गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस जगह को आपको रेजर से साफ़ कर देना। रेजर से बिल्कुल साफ़ कर देंगे, बिल्कुल एक बाल भी नहीं रहना चाहिए। और क्या करना है, जो आप अंडरवियर पहनते हैं, अंडरवियर के जो कोने हैं उसको साबुन से डेली धो देना है। आपको साबुन डेली डेली पर डे इस्तेमाल नहीं करना है, सॉप का इस्तेमाल पर डे आपको नहीं करना है। बिल्कुल सही और आसान तरीका बता दे रहे हैं जो आप अपने घर पे कर लेंगे तो आप इससे निजात पा लेंगे। आप लाखों रुपए दवाइयों में खर्च कर ले फिर भी दाग ही नहीं जा रहा है, तो इससे आपका दाग भी मिट जाएगा। क्योंकि मैंने इस नुस्खा को 10 साल पहले आजमाया था तो बिल्कुल आज तक मेरा सही है। और सफाई का पूरा ध्यान दें, तो मैं अंडरवियर की बात कर रहा था, तो अंडरवियर को जो आप अपने पर डे उसको सॉप से साफ कर लेंगे तभी बने। आप देख रहे हैं ये पपीते का पेड़ है, इसे पपाया भी बोलते हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं इससे। आप दवा खा खा कर अगर थक गए हैं, आपके खुजलाते खुजलाते कालापन हो गया है, तो आज मैं बता दे रहा हूँ कि जांघ के नीचे जो इन्फेक्शन हो जाता है, कालापन हो जाता है, और आप दवा करते करते बिल्कुल परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, तो इस नुस्खा को ज़रूर अपनाएं। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये जो है ना, ये पपीता का पेड़ ही है, आप देख लीजिए गौर से। तो इसको क्या करना है, ये जो है ना, ये इस वाले जो पेड़ के जो फल है, फल जिसको हम लोग पपीता बोलते हैं, तो एक पपीता आप तोड़ लेंगे तो उसके दूध दूध में बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दूध को आप अगर जिस जगह पे लगाएंगे, अगर दवा करते करते आप परेशान हो गए हैं और फिर भी बीमारी नहीं जा रही है, तो इस चीज़ का सेवन ज़रूर आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो लगाना कैसे है, तो आप दिन में लगा लें या रात में, कभी भी लगा लें, इसके दूध लगाना है। एक फल आप तोड़ लेंगे तो फल तोड़ते ही आपको उजला उजला दूध दिखाई देगा। तो दूध को आपको स्किन पे लगाना है, जहाँ पे आपका काच लग गया हो, जो बहुत दवा करते करते आप परेशान हो गए, थक गए हैं, दवा खाते हैं ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो इस उपाय को करेंगे आप तो बिल्कुल निजात पाएंगे। तो ये 100% कारगर नुस्खा है, मैंने इसको 15 साल पहले इस्तेमाल किया था, मैं भी बहुत दवा कब से सेवन कर चुका था, लास्ट में थक हार कर इसका दूध जब इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा लगने के बाद इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमको। बस थोड़ा सा लहर हुआ, 2 मिनट 4 मिनट लहर हुआ, लहर होने के बाद फिर ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आज तक 10 साल पहले मैंने इस्तेमाल किया, आज तक बिल्कुल सही है। तो आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल मिस्टेक ना करें। इसी तरह से एक मिलता जुलता रेड़ का भी पेड़ होता है, तो रेड़ का पेड़ का आपको नहीं, आपको पपीते का पेड़ के ही लेना है, इसको दूध इस्तेमाल करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा।